नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार, आपको यूट्यूब चैनल श्री राम फास्ट इसमें स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि कैसे किसान रजिस्ट्रेशन, किसान निबंधन में आपने करा लिया है और गलत कोई भी चीज़ हो गया है, अकाउंट नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर गलत हो गया है, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरे प्रोसेस बताऊंगा। लास्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल श्री राम फास्ट सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें कि जिससे कि आने वाले वीडियो ऑटोमेटिक आपके ईमेल पर जाता रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें जिससे कि और लोगों को भी मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल खोलेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे dbtagriculture .bihar.government.in पे क्लिक करेंगे। और ये मेरा कृषि विभाग बिहार सरकार का व्यवसाय डीबीटी खुल गया और हमें किसान पंजीकरण में सुधार करना है, चेंज करना है कोई भी चीज़, पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए आज का वीडियो है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है किसान पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाइए विवरण संशोधन में। ओके, विवरण संशोधन में गए तो विवरण संशोधन कर ले, किसान पर क्लिक करें। ओके, क्लिक करने के बाद आपका एक टॉप टैब खुल जाएगा। टैब में पहला में सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको चेंज करना है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं एंड शो रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। शो रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद ऐसे हमारा तीन बॉक्स खुल जाएगा, एडिट अ मोबाइल नंबर। एडिट अ मोबाइल नंबर पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। ओके, और दूसरा ऑप्शन है एडिट बैंक डिटेल, अगर इस पर क्लिक करते हैं बैंक पे तो बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का खाते, बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम चेंज कर सकते हैं। एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट पर्सनल डिटेल में आप क्लिक करते हैं तो आपको आपको अपने गांव, पता, एड्रेस और पिता का नाम, अपना नाम, जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज मैनुअल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कि ये तीन चीज़ में सिर्फ आप एक चीज़ सिर्फ वन टाइम ही चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अकाउंट नंबर भी चेंज कर दिए और बैंक खाता नंबर भी चेंज कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप, या तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या आप अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं या आप अपना पर्सनल डिटेल चेंज कर सकते हैं। तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक ही आप यूज कर सकते हो, वही वन टाइम। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं आप स्टेप बाय स्टेप तीनों को एक ही वीडियो में कैप्चर करूंगा। सबसे पहले मैं पर्सनल डिटेल पर, किसी व्यक्ति को पर्सनल डिटेल में क्या चेंज करनी है वो बता देता हूँ, अगर कोई भी चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए एडिट पर्सनल डिटेल पर क्लिक किए, एडिट पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद ऐसा टैब खुल जाएगा और इस पर देखिए सब दिखाई दे रहा है, जो भी नाम, पता, एड्रेस है सब दिखाई दे रहा है। जो भी चेंज करना है अपने हिसाब से, नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कीजिए, पिता का नाम चेंज करना है तो पिता का नाम चेंज कीजिए, जन्म तिथि चेंज करना है तो जन्म तिथि चेंज कीजिए, और कैटेगरी चेंज करना है तो कैटेगरी चेंज कीजिए, प्रखंड, गांव, ये सब जो भी चेंज करना है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करें, जो अपना मोबाइल नंबर दिए होइएगा उस पर OTP जाएगा, OTP जाने के बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपका अपडेट के लिए रिक्वेस्ट चल जाएगा सरकार के पास, उस 24 घंटे के अंदर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया अपना पर्सनल डिटेल चेंज करने के लिए। नेक्स्ट बताते हैं अपना, अगर खाता नंबर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल सा वही सेम प्रोसेस है, चलिए मैं फिर से खोल लेता हूँ। यहाँ पे विवरण संशोधन पे गए और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है विवरण संशोधित करें किसान के लिए, तो इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद फिर टैब खुल जाएगी, टैब खुलने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर पर डाल दिए और इंटर योर ID पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए और शो रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। ओके,
सो रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन में है एडिट बैंक डिटेल। अगर आपको बैंक डिटेल चेंज करना है तो इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक टैब खुल जाएगी। चलिए टैब खुल रही है, ये टैब खुल गई। कर्सर से इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, और देखिए यहाँ पे आ गया हुआ है बैंक का नाम चेंज करना है। तो बैंक का नाम बहुत सारे पूरे बैंक है, इसमें IDFC बैंक नहीं दोस्तों, याद कर लीजिएगा। तो ये सब बैंक का नाम डाल दीजिए, बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पे IFSC कोड डाल दीजिए, और गेट OTP पर क्लिक कीजिए। OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगा, 4 अंक का OTP यहाँ पर डाल दीजिए, और लिक्विड फोल्डर चेंज के लिए क्लिक कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपका अपडेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपका चेंज हो जाएगा। और चलिए आप एडिट मोबाइल पर क्लिक करते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, फिर जाएंगे होम। हम बताते हैं कि मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो विवरण संशोधन में जाएंगे, और विवरण संशोधित करने के साथ पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट डाटा पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे, और इंटर योर ID पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट किए, और शो डाटा पे क्लिक कर दीजिए। ओके, और अब हमें मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर पे चेंज पर क्लिक किए, और फिर ये अपना टैब खुल गया। अब इस पर अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, नया मोबाइल नंबर डाल देंगे, और OTP पे क्लिक करेंगे। OTP नया मोबाइल पे आ गया, या उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। 24 घंटे के अंदर आपका अपडेट मोबाइल हो जाएगा। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा वीडियो था दोस्तों, आप तीनों चीज़ कैसे चेंज कर सकते हैं आपने इस वीडियो में सीखा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो ऑटोमेटिक आपके ईमेल पे मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।